नमस्कार। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में सरफेस टेंशन और सर्फेक्टेंट के बारे में। एक्चुअली जब हम लोग समझेंगे सर्फेक्टेंट के कॉन्सेप्ट को, तभी सारी चीजें यहां पर क्लियर हो पाएंगी। इसीलिए सर्फेक्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले जरूरी है सरफेस टेंशन के इंपॉर्टेंस को समझना। यहां पर सरफेस टेंशन क्यों लगता है लंग्स पर और उससे बचने के लिए सर्फेक्टेंट कैसे मदद करते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सर्फेक्टेंट जो इनवर्ड प्रेशर डिफरेंस है लार्ज और स्मॉल एल्वियोलाई के बीच का, जो कि सरफेस टेंशन कहलाता है, उसी को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। तो सर्फेक्टेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझने से पहले हमें सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सरफेस टेंशन एक एल्वियोलाई के इमेज को बना करके देखें तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये कोलैप्सिंग फोर्स है जो एल्वियोलाई को कोलैप्स करा सकती है। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स एक कोटिंग बनाए हुए रहते हैं लंग्स के भीतरी सरफेस पर, ये कोटिंग बनाए रहते हैं और एल्वियोलाई में एयर रहती है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं कोहेसिव फोर्सेस के द्वारा। आप जानते हैं ना, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस कहलाते हैं। तो इन कोहेसिव फोर्सेस के द्वारा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन लगने लगता है। अब इसी अट्रैक्शन की वजह से सरफेस टेंशन डेवलप होगा। सरफेस टेंशन कैसे डेवलप होता है उसको समझने के लिए हम फिजिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं उसको ध्यान में रखेंगे। आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि वाटर को या किसी लिक्विड को किसी इस तरीके के पॉट में भर दिया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा इमेजिन करके देखने की कोशिश करें। तो इस बारे में आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, उसी चीज को एक बार मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सरफेस के भीतर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हर दिशाओं में बराबर अट्रैक्शन लगेगा। आप देखें ये चारों ओर से कोहेसिव फोर्सेस बराबर से लगेंगे, इसलिए भीतर के मॉलिक्यूल्स पर इक्वल अट्रैक्शन लगता है, ये बात आपको पता है। लेकिन जो ऊपर के सरफेस पर होते हैं, जो सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें साइड वाइज तो फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, लेकिन नीचे के फोर्स को ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है इसलिए न्यूट्रल नहीं किया जा सकता है। इसलिए रिजल्टेंट नीचे की ओर एक फोर्स लगता है जो वाटर के सरफेस पर पूरी तरीके से अंदर की ओर लगता है। इसके कारण वाटर का लेवल एक तनी हुई मेम्ब्रेन के जैसे, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसे बिहेव करती है। तो यहां पर देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल जो भीतर है उस पर चारों दिशाओं में फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन जो सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल है उसमें दाएं बाएं तो फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन ये जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है ये ऊपर के किसी वाटर मॉलिक्यूल के ना होने की वजह से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से सरफेस पर एक रिजल्टेंट अंदर की ओर फोर्स लगता है। आप जानते हैं ना, डीपर मॉलिक्यूल्स पर कोई रिजल्टेंट डायरेक्शन में अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी दिशाओं में इक्वल अट्रैक्शन बनता है, इक्वल अट्रैक्शन लगता है। लेकिन सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होता है उस पर डाउन साइड पे एक अट्रैक्शन लगता है जो कि सरफेस टेंशन कहलाता है। तो ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से लगता है। जो सरफेस टेंशन की बात हम कर रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस की वजह से लगने वाला फोर्स है। यह वाटर और एयर के इंटरफेस पर डेवलप होता है। तो इस चीज को एक बार फिर से बना करके देखने की कोशिश करें तो एल्वियोलाई के लेवल पर जब इसी कॉन्सेप्ट को लगाया जाता है तो सरफेस टेंशन, मैंने आपको बताया था ना, सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी चीज अपने आप को मिनिमम वॉल्यूम में, मिनिमम सरफेस एरिया में रहने का प्रयास करती है। इस बात को आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि आखिर क्यों कोई वाटर की ड्रॉप्स एक स्फेरिकल शेप बना करके रहने की कोशिश करती है। इस तरीके से आपने देखा होगा पानी की कोई भी बूंद इस तरीके से क्यों रहने का प्रयास करती है। एक्चुअल में यह मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने के प्रयास में ऐसा करती है। लंग्स के लेवल पर मिनिमम सरफेस एरिया कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? यह तब हो सकता है जब पूरा का पूरा लंग कोलैप्स कर जाए। तो ऐसा
करने का प्रयास वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, जो लंग्स की एल्विलाई के भीतर एक वाटर की फिल्म होती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। अब अगर ऐसा हुआ तब तो समस्या हो सकती है। इसी समस्या को कम करने के लिए सर्फेक्टेंट काम करते हैं। अब बात समझें, जब कभी भी एल्विलाई में पानी भर दिया जाए, आप समझ रहे हैं ना, जब कभी भी पूरा का पूरा आप यहां पर पानी भर दें तो क्या होगा? ऐसी एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की आप सिचुएशन समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा कि ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान रखना है कि जिस वाटर की फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो पल्मोनरी एडिमा से अलग है। आप जानते हैं ना, नॉर्मली वाटर का सरफेस एल्विलाई के चारों रहता है, पल्मोनरी एडिमा इंटरस्टीशियल स्पेसेस में सबसे पहले होते हैं। तो पल्मोनरी एडिमा का कॉन्सेप्ट अलग है, उससे इस बात को अलग करके सोचना है। आप जानते हैं ये वाटर की फिल्म यहां पर है, यह पतली फिल्म है इसलिए अंदर की ओर अट्रैक्ट करती है। आप जानते हैं ना, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। अगर पूरा का पूरा लंग्स के भीतर आप अपनी ओर से पानी भर दें, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में अपनी ओर से कोई पानी भर दें, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। आप जानते हैं ना, इसका जो सरफेस टेंशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, क्योंकि चारों ओर से तब कोहेसिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, लेकिन वाटर की पतली फिल्म होने के नाते अंदर की ओर फोर्स लगता है और ये अंदर की ओर फोर्स सरफेस टेंशन कहलाता है। तो इसी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हमें सर्फेक्टेंट की जरूरत होती है, और उस सर्फेक्टेंट को टाइप 2 न्यूमोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। इस इमेज में टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को देखा जा सकता है। यहां पर हम देख सकते हैं, ये है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ये अल्वियोलर सेल्स दो तरीके से होते हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स और टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स स्क्वैमस होते हैं, एक्सट्रीमली थिन होते हैं, और ये 90% तक एल्वियोलाई की सरफेस को एक्वायर करते हैं। यही गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए टाइप 1 न्यूमोसाइट्स 95% तक होते हैं। 5% तक टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं, ये ग्रैनुलर होते हैं, रफली क्यूबाइडल शेप के होते हैं, और इनका मेन जिम्मेदारी होती है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को रिलीज करने की। कई बार सवाल यह भी पूछा जाता है कि ये जो सर्फेक्टेंट है ये किन चीजों से मिलकर के बना होता है। यह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसमें 20% प्रोटीन और 80% तक लिपिड्स होते हैं। इस 80% में 70-80% तक इस लिपिड का जो 80% पार्ट है, इसको अगर 100% मान लिया जाए, अब क्योंकि 20% प्रोटीन 80% लिपिड, अब इस लिपिड में से इसको अगर 100% मान करके देखा जाए तो इसका 70-80% तक फास्फोलिपिड्स होता है। और इसमें भी, इस फास्फोलिपिड्स में भी काफी खास है DPPC। इसमें 60-70% तक DPPC होता है, जिसका नाम होता है डाइपल्मेटोइल फास्फेटिडिल कोलीन। तो ये नाम पता होना चाहिए। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स रिलीज करते हैं, ये ग्रैनुलर न्यूमोसाइट्स होते हैं, और इसमें सबसे खास ये एल्वियोलर सेल्स जिस फास्फोलिपिड्स को रिलीज करते हैं उसका नाम क्या है, DPPC। इसका मतलब क्या है, डाइपाल्मेटोइल फास्फेटिडिल कोलीन। यह एक खास फास्फोलिपिड है जो कि इसमें पाया जाता है। फास्फोलिपिड्स ही अपने आप में बड़े खास होते हैं। आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, फास्फोलिपिड्स में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों तरीके के एंड्स पाए जाते हैं। अब एक सवाल यह भी उठता है कि ये सर्फेक्टेंट काम कैसे करते होंगे, ये सर्फेक्टेंट किस तरीके से काम करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक बार फिर से हम एल्वियोलाई के इमेज को बनाएंगे, और उसमें फास्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया फास्फोलिपिड्स में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो एंड्स होते हैं। एल्वियोलाई का इमेज बनाए, वाटर की थिन फिल्म को मैंने बनाया, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को बनाया, और यह टाइप 2 न्यूमोसाइट्स क्या रिलीज कर रहे हैं, फास्फोलिपिड्स को, वो फास्फोलिपिड्स जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड्स पाए जाते हैं। ये जो फास्फोलिपिड्स जिनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड्स पाए जाते हैं, ये पहले तो रिलीज होते हैं और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स के इस सरफेस के बीच बीच में जाकर के फिट हो जाते हैं। तो आप जानते हैं ना, ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है यह
इसके बीच बीच में जा करके फिट हो जाता है और जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये अंदर की ओर एक्सपोज रहता है। तो इस तरीके से यहां पर एक ग्रीजी हाइड्रोफोबिक पतली सी परत आप सोच सकते हैं और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि अब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता है। तो इस वजह से ये सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, ये कोहेसिव फोर्स को डिक्रीज किए हैं, इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर दिया है। तो ये वाटर की कंटिन्यूअस लेयर को इन्होंने ब्रेक किया है, इन्होंने अल्टीमेटली कोहेसिव फोर्स को ब्रेक किया है जिसके कारण सरफेस टेंशन को इन्होंने डिक्रीज कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसके फंक्शन के बारे में सोच सकते हैं कि ये लंग्स का जो कोलैप्स हो सकता है उसको ये प्रिवेंट करते हैं। तो ये लंग्स के कोलैप्स को प्रिवेंट करते हैं और ये पल्मोनरी एडिमा को भी प्रिवेंट करते हैं। इतना ही नहीं, ये लंग्स के कंप्लायंस को यानी स्ट्रेचबिलिटी को भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से लंग काफी इलास्टिक मीन्स कम अपने आप को आसानी से फैल सकता है, इस मामले में भी सर्फेक्टेंट मदद करते हैं। सवाल यह भी उठता है कि सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कब होता है, कैसे होता है। तो याद रखना है, जब जेस्टेशन का यानी फीटल लाइफ में 22-24 वीक्स का समय हो चुका होता है तो उस समय ये सिंथेसिस होना शुरू होते हैं। तो इस तरीके से ये 20-24 वीक्स के समय इनकी सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है और इनका सिक्रीशन करीब करीब 22 वीक्स पर स्टार्ट हो चुका होता है और इनका मैक्सिमम सिक्रीशन मैच्योरिटी के लेवल तक 35 से लेकर 37 वीक्स तक पहुंचता है। तो आप जानते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है 37 वीक्स के बाद ही बेबी की डिलीवरी कराई जानी चाहिए क्योंकि उस समय सर्फेक्टेंट प्रॉपर डेवलप हो चुके होते हैं। अगर उससे पहले डिलीवरी होती है तो प्री मेच्योर बर्थ होता है, प्री मेच्योर न्यूबॉर्न बेबी होती है। खासतौर पर तब जब 34 वीक से पहले का मामला हो तब तो सर्फेक्टेंट और भी कम बने हुए होते हैं। आमतौर पर 37 वीक्स के बाद ही डिलीवरी कराई जानी चाहिए, लेकिन 34 वीक्स के पहले अगर कोई डिलीवरी होती है तो उसमें हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। हम इस इमेज में हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज से प्रभावित बेबी के चेस्ट एक्सरे को देख सकते हैं। ये इमेच्योर सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन की वजह से चेस्ट वॉल का रिट्रैक्शन अप्रिशिएट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, चेस्ट वॉल रिट्रैक्ट कर गई है। हम जानते हैं जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो यूजुअली 20 वीक्स के बाद, 20-24 वीक्स के आसपास, बेहतर तरीके से यही कहा जा सकता है कि 20-24 वीक्स के आसपास ये सिक्रीट होना शुरू होते हैं, ये सिंथेसाइज होना शुरू होते हैं। तो यहां पर लिखा है 18-20, आप ये समझ लें 20 वीक्स के आसपास में इनकी सिंथेसिस शुरू हो जाती है और सिक्रीशन 22 वीक्स से मैक्सिमम लेवल तक ये सिक्रीट हो चुके हो 35-37 वीक्स तक। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज होती है जिसमें एबनॉर्मल रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट वॉल होगा, साइनोसिस होगी चूंकि गैसियस एक्सचेंज प्रभावित होगा इसलिए ऐसा होगा, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग होगी और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होगा।